हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के का चटपटा एकदम चाट मसाले वाला, जो मसाले वाला खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम तेल वाला चाट बनाएंगे, और बगैर तेल वाला चाट बनाना है तो वो भी मैं चैनल पे डाल रखी हूँ, उसको देख सकते हैं। इसको हम फ्राई करके बनाएंगे, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा और सोन सोन लगेगा। ये अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं कढ़ाई रखी हूँ और इसमें 2 चम्मच तेल रखी हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लहसुन भी ले सकते हैं। मैं लहसुन नहीं ली हूँ, सिर्फ हरा मिर्चा ली हूँ, जीरा है, अदरक है। इसको मैं तड़का लगाने के लिए ली हूँ, इसको ऐसे डाल देती हूँ। और ये है कड़ी पत्ता, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये जो मक्का है इसको मैं अच्छे से साफ करके धो के रखी थी, अब इसको हम इसी में डाल देते हैं। इसको हम इस तरह से ऐसे चलाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट, और मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसके कर करके भूनेंगे तो एकदम अच्छे से भून जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मीडियम फ्लेम करके हम भूनेंगे, नहीं तो ये कच्चा ही रह जाएगा और बहुत टेस्टी होता है। तो इसमें आप प्याज और लहसुन डाल सकते हैं। इस टाइम नवरात्रि चल रहा है तो इसके वजह से मैं प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो हम कुछ मसाले का इस्तेमाल करूँगी और प्याज लहसुन का नहीं। और इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। तो 2 मिनट के लिए अभी हम ढक देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्के का कलर एकदम अच्छे से चेंज हो गया है। तो इसमें अब हम नमक डालेंगे। तो नमक आप जितना खाते हैं उसी के हिसाब से नमक डालिए। तो यहाँ पे काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली यूज वाला भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सफ़ेद नमक डाल रहे हैं जो डेली यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये चाट मसाला है, आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है, ये हींग है, ये थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा हल्दी है, और ये है लाल मिर्च। इसको हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 से 4 मिनट हो गया है और ये मक्का एकदम अच्छे से पक गया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तब गैस को हम बंद करते हैं और इसको प्लेट में निकालते हैं खाने के लिए। तो अगर आपको जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने के लिए तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये हमेशा मिलता है मार्केट में, अब बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये मक्के का चटपटा चाट मसाले वाला बनाई हूँ और एकदम बनाने का एकदम इजी तरीका बताई हूँ, जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।